फूलों का तारों का सबका कहना है। Can I request you? 1000 मैं आपके हाथ में राखी बांध सकती हूँ? मेरी बहना है सारी उम्र हमें संग रहना है। मैडम बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझ पर, मेरे पास मेरी दो बहनें ऑलरेडी हैं और मुझसे बहुत परेशान हो गए, मुझे बहुत परेशान करती हैं, तो ये तो जो आप तीसरी रख लो, मैं हूँ ना। नहीं, माई कांट हैंडल, खर्चा बहुत है और शायद इंडिया में 90% से भी ज्यादा लड़कियां लोग मेरी बहनें बनना चाह। अरे नहीं यहाँ आकर खड़े होकर आपसे एक बार मिलना या आपको देखने के लिए तरसते हैं। सलमान खान जो इतने हैंडसम, इतने गुड लुकिंग, इनको भाई बना, ये कैसे होंगे, कैसे होंगे? पर मैं बहुत 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 लकी हूँ, सभी ये सोच रहे होंगे, बहुत लकी हूँ कि मुझे ये चांस मिली है कि मैं आपके साथ यहाँ खड़ी हूँ और आपको अपना भाई बना सकूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, अच्छे लड़कों की शॉर्टेज है, आप हर एक अच्छे लड़के को राखी मत बांधा कीजिए। लेकिन एक स्पेशल को भाई बनाया जा सकता है अगर आप जैसा हो। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का आइए, इसके पहले कि आप, अरे रो दी, अरे क्यों, नहीं नहीं ऐसा नहीं, प्लीज ड्रामा क्वीन बैठिए। मनप्रीत आप खेलेंगे मेरे साथ 10 का दम। आज पहचान लो किसके साथ लग रहा हूँ मैं, देखो जरा कितनी प्यारी सी बनाई है। शाहरुख खान, नहीं नहीं नहीं, देखो देखो अगर आपको अगर बगल में समझ में आ जाएगा, लुक एट योरसेल्फ, मेरी तरह एब्सोल्युटली। आप जीत चुके हैं 1,00,000 रुपए। 3 सवाल दूर हैं आप 10 करोड़ रुपयों से। अब आप खेलेंगे 10,00,000 रुपयों के लिए। 10,00,000 रुपयों का प्रश्न ये है, कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि बिन ब्याहे रहना ही बेहतर है? अभी आपके पास है 20% की खिड़की। सर जी कुछ बताओ ना, कुछ तो एक्सपीरियंस होगा आपको इनके बारे में। यार मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, तो इसमें एक 2-3 सुविधाएं हैं कि आप बिस्तर के किसी भी तरफ से उतर सकते हो, किसी भी तरफ सो सकते हो, बाथरूम में कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। जल्दी निकलो जी। वैसे मुझे बाथरूम की प्राइवेसी बहुत पसंद है। जी मुझे भी, ये शो बाथरूम में जाके कर ले। क्या अनुमान लगा रहे हैं आप? सारा फैमिली ड्रामा हो गया, एक बहन बैठी, एक भाई खेल रहा है, एक भाई खिला रहा है। माता पिता आप जरा मुझे बचा लो प्लीज। जब आप मेरे बेटी के भाई बनेंगे तो मेरे से भी। तो मैं आज आपका बेटा बन गया हूँ आप। अरे माता जी, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको। अच्छा खेला आपका बेटा, आई होप के थोड़ा सा जीत जाए। मनप्रीत 32-52% फील। यार अकेला रहना बहुत बोरिंग होता है, इवेंचुअली हर एक को शादी कर लेनी चाहिए। मैं तुमसे नहीं अपने आप से कह रहा हूँ। ऐसे भी मेरी उम्र हुई यार, यही मैं सोचता हूँ कि मेरी भी उम्र नहीं हुई, लेकिन दीदी भी शादी नहीं कराना चाहती, करना चाहती अपनी। अच्छा, अरे सबको भाई बनाएंगी तो कैसे करेंगी शादी? एक बात है,
छोड़कर उसने किसी को भाई नहीं बोला आज तक। तो मुझ में इतना बड़ा एक्सेप्शन क्यों? पता नहीं उसको आप में क्या अच्छा लगा। कुछ नहीं अच्छा लगा, ये भाई खेल रहे इसलिए सोचा नहीं, के नहीं, नहीं, नहीं। अरे आप उस... बहुत केयरिंग, बहुत सॉफ्ट स्पोकन हो, ये हम लोग यहाँ आने से पहले सुना करते थे, कभी सोचा नहीं था कि इतने बड़े स्टार इतने डाउन टू अर्थ हो सकते। सच? तो मतलब के डाउन टू अर्थ केयरिंग होना कि ये भाई की क्वालिटी है, ये हस्बैंड या बॉयफ्रेंड की क्वालिटी नहीं हो सकती है? उसके भाई की तरह ही लग रहे हैं ना आप देखने को भी। अच्छा ये बात है। एक ऑडियंस का पोल देख लेते हैं, बहुत जरूरी। देखते हैं हमारे ऑडियंस ने क्या वोट किया। अरे बाप रे बाप, जिन जिन ने शादी की है वो इनका वोट है 100%। 20 पे एक छोटी आपकी तरह और एक 30 पे मेरी तरह छोटी सी और एक 50-60 पे भी है। आपको क्या लगता है? जो अपना मन माने वही करना चाहिए। बस करेक्ट बात है। मामा ब्रेड 32-52% पे इन्होंने छाप दिया है, मनप्रीत साहब ने छापा है। अगर आप हार गए तो 10,000 रुपए लेके जाएंगे, जीत गए तो 10,00,000। आए देखते हैं कि हमारा देश क्या सोचता है। Bingo. Manpreet, I am really happy कि आप जीते हैं 10,00,000 रुपए। आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। आप मत रुकिएगा मेरे को। आपको लगता है कि मेरे पैसे आपसे ज्यादा बड़े होंगे? आपकी उम्र क्या है? मेरी 23। 23 में मेरे भी कुछ ऐसे ही थे और 42 में कुछ ऐसे ही हो रहे हैं। तो मुझे लगता चाहिए परफेक्ट है। अभी आप दो कदम दूर हैं 10,00,000 रुपयों से। आप खेलने वाले हैं 1,00,000 रुपयों के लिए। अगर लिंग परिवर्तन करने का मौका मिले तो कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष ने कहा कि वे एक दिन के लिए महिला बनना चाहेंगे? मैं तो नहीं करना चाहूंगा। मैं भी नहीं। नीचे, 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 नीचे। आपने 60-70 पे डाला है तो आप कह सकते हैं कि 60-70% men would want to be women for a day। कहीं ना कहीं हम और जितने हम हिंदुस्तानी हैं अपनी माँ की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, माँ को बहुत प्यार करते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं उनको भी लगता होगा कि एक माँ का जो प्यार है, एक माँ की जो फीलिंग्स होती है, वो एक मर्द होकर इंसान कभी पा नहीं सकता। तो शायद वो फीलिंग को हर इंसान मिस करता है। शायद कहीं ना कहीं हमारे इंडियंस चाहते होंगे। आप माँ बनना चाहती हैं? मैं उन इंडियंस में नहीं आता हूँ जी, मैं बाप बनना चाहता हूँ। ऑडियंस पोल देखिए। हाँ जी सर। आइए देखते हैं हमारी मुंबई की ऑडियंस क्या सोचती है। यहाँ पे है 10, 20 और फिर एक छोटी सी चोटी है 30। 70 पैसे कोई लाइन ही नहीं है। 10,00,000 रुपए क्या मायने रखते हैं आपके? काफ़ी मायने रखते हैं मेरे लिए, क्योंकि मैंने अभी तक खुद इतने पैसा कमाए नहीं है अपने दम पर जी, तो मेरे लिए तो काफ़ी बड़ी बात है। आप ये पैसे लेके जा भी सकते हैं, खेल भी सकते हैं। अगर आपने इस सवाल का गलत जवाब दिया तो आप हारेंगे और 1,00,000 सिर्फ 1,00,000 रुपए लेके जाएंगे। सही जवाब दिया तो फिर आप 1,00,000 जीतेंगे। ये फैसला आपको करना है कि आपको खेलना है या नहीं। अंदर से मन कह रहा है कि इसी को सिलेक्ट करो। एक तरफ 1,00,000 है और एक तरफ
1,00,000 और बीच में बसे हैं 10,00,000। टेन टू ट्वेंटी आंसर नहीं, नहीं या क्विट कर जा, नहीं बोल रही है एक बार। इतने प्रेशर में मैं लाइफ में कभी नहीं आया हूँ। खेलूँ तो ये खेलूंगा, ये क्विट करूंगा। अखा बंद कर, जो आ रहे बस। 10,00,000 इज अ लॉट ऑफ मनी। इतना तो कभी जिद्दी नहीं होता वो, पता नहीं उसको क्या हुआ। यही चा नहीं, सबके खिलाफ जा रहा हूँ, ऑडियंस के, मम्मी पापा के। ना कर ना कर, मेरी गल सुन ले, उस तो बाद हारना हारी जाए, सारा इल्जाम मेरे पे जाऊंगा। मेरी गल सुन, कर रहा हूँ, मेरी गल सुन। ये सब भी गलत हो सकते हैं, आप भी गलत हो सकते हो। क्या आपने डिसाइड कर लिया 60 70? डिसाइड। यार बॉस, किसी की नहीं सुनी तुमने, ना मम्मी की, ना डैडी की, ना ऑडियंस पोल की। हाँ, देखते हैं यार हमारा देश का आवाम क्या सोचता है। देख लेते हैं, आइए देखते हैं कि हमारा देश का आवाम क्या सोचता है। चलो ये बात तो अच्छी है कि आप भी गलत थी और ये भी गलत थे, तो इसमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एनीवे बड़ी, इट वाज ग्रेट प्लेइंग विथ यू मैन, थैंक यू। आई फील रियली बैड दैट यू लॉस्ट। वन आफ्टर, इट्स ओनली मनी, यू मेक इट बड़ी। खेल रहे थे हमारे साथ मनप्रीत, जीत रहे थे 10,00,000 रुपए, खेल रहे थे 1,00,00,000 रुपयों के लिए और लेके गए सिर्फ 1,00,000 रुपए। आइए आपको मिलाते हैं हम हमारे अगले दो कंटेस्टेंट से। इतनी खूबसूरत महिला हैं, आप जब देखेंगे तो आप गिर जाएंगे। प्रेरणा जी, मैं आपको काय को आपके नाम से बुलाऊं, मैं आपको दादी बुला लेता हूं। ललिता जी, आप आपका सब भूल रहे हैं। ललिता जी, मैं आपको ललिता नहीं बुला सकता हूं, मैं आपको छूता हूं। ललिता जी, मैं आपको नानी बुला लेता हूं। मैं आपके पांव जरा पैर ऊपर कीजिए, थोड़ा सा पैर ऊपर कीजिए ना दादी माँ। सुना आप मॉडल रह चुकी हैं? हाँ, रह चुकी हूँ। नानी माँ। हाँ जी, नानी माँ, एक बार और पैर छू लूँ? नहीं, हो गया, बस हो गया, इतना नाटक मत करो। बहुत लंबी सफर कर चुकी हूँ जी। एक लड़की थी पहला, फिर धर्म पत्नी थी, फिर एक बहुत अच्छी माँ थी, उधर रुक गया मेरा लाइफ, आगे कुछ नहीं। मतलब? ना पोता, ना पोती, ना नाते, ना नाता, कुछ नहीं। ये देगा मेरे को नाता, नेते, सब देगा, आप देगी, ठीक है? आप देंगे मुझे?
बट थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा. हाँ थोड़ा सा वेट करती हूँ. थोड़ा सा ज्यादा नहीं, एक 15-20 साल थोड़ा सा. अरे बेटा नहीं, जल्दी चाहिए मैं उसके पीछे भागने का, उसको पकड़ा पकड़ा स्किपिंग डबल स्किपिंग खेलने का उनके साथ. जल्दी करो जी, क्या शादी नहीं है तो जाने दो, कम से कम बच्चा यूजलेस. की बात रे, पूरा हिंदुस्तान यही बोल रहा मुझे क्या कि आप दोनों खेलेंगे ना मेरे साथ 10 का. जरूर जरूर. अच्छा लेकिन अभी मुझे बहुत टेंशन हो रही क्योंकि ये नॉकआउट राउंड है. इट विल बी बिटवीन अस, इट विल बी विल नॉट नॉक यू अराउंड. बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ. मेरी नानी और मेरी दादी एक दूसरे को नॉकआउट करेंगी. नानी दादी ये 5 सवालों का राउंड है. 10 सेकंड मिलेंगे आपको हर सवाल को छापने के लिए. क्योंकि ये प्रतिशत का खेल है तो जिसका भी जवाब हमारे आवाम के जवाब से ज्यादा करीब होगा वो पॉइंट जीतेंगे. और जिसने भी पहले 3 पॉइंट जीते वो मेरे साथ खेलेंगी 10 का दम 10 करोड़ रुपयों के लिए. नानी रेडी? दादी एवर रेडी. तो आइए खेलते हैं 10 का दम विद नानी एंड दादी. आपका पहला सवाल, कितने प्रतिशत भारतीयों ने अपने पड़ोसी के घर में झांका है? चलिए मैं आपको 10 सेकंड देता हूं और आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब. दादी माँ 23%, नानी 76%. आइए देखते हैं कि हमारे देश के आवाम की सोच हमारी नानी की तरह है या हमारी दादी की तरह. नानी दादी जीती. नानी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. हाँ. एक वो जीतेंगे, एक मैं जीतती. बाय टर्न्स विल. आपका अगला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीय एसटीडी कॉल पर बात करते समय जोर जोर से बोलते हैं हेलो? पहले कहाँ आवाज सुनाई देती थी, फिर भी ये आदत हो गया. आदत सुने तो भी चिल्लाते हैं, आदत हो गया. बाजू वाले को मालूम पड़ेगा ये तो दिल्ली चिल्ला के बात करते हैं. मोबाइल पे भी फोन. आपके पास 10 सेकंड है और आपका समय शुरू होता है अब. कम ऑन नानी, कम ऑन दादी. नानी आपने डाला है 63, दादी आपने 64. देखते हैं कि हमारा जो देश का जो आवाम है किसकी तरह सोचता है, नानी की तरह या दादी की तरह. ये रहा आपका तीसरा प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीय पति पत्नियों ने कहा कि वो शादी के बाद हनीमून पर नहीं गए हैं? दादी क्या क्या लगता है? दादी दादी सी नॉट गॉन होता है कि गए नहीं, बट नॉट had their honeymoon, there's two different things. Gone means going somewhere. Right? So हम उसी के बारे में बोल. I'm sure everyone's had their honeymoon. Your dad is very naughty. आपको क्या लगता है? मैं गई
गई थी, इतना मर्जी मुझे मालूम। आप गई थी, कहाँ गई थी आप? कोड़ेकनाल। कोड़ेकनाल? या। आप? मैं नहीं गई थी। लेकिन नहीं वो भी नहीं। हाँ वो भी नहीं, पहली रात को तो नहीं। दादी दादी इज वेरी नॉटी। सच्ची 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 शायद पहले किए होंगे। आपके पास 10 सेकंड हैं और आपका समय शुरू होता है अब। देखते हैं कि नानी सही है या दादी सही है। आपका चौथा सवाल, कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि रोज तेल लगाने से उनके बाल लंबे और घने हो जाएंगे? क्या आप रेडी? यू हैव टू गिव अस टाइम। नो, बट आपको ऐसा लगता है कि तेल लगाने, क्योंकि आजकल तो लोग हफ्ते में एक बार लगाते हैं, रोज तो नहीं लगाते थे। बट आजकल तो वो वैक्स जेल ये वो, बट साउथ में ज्यादा है। हाँ, साउथ में ज्यादा सब मोस्टली विलेजेस में सब तेल ही लगाते हैं। लेकिन शहरों में वो शहरों में वंस ए वीक नहीं, लेकिन रोज फॉर वांट ऑफ टाइम वंस ए वीक करते हैं बस। वर्किंग वुमेन दे वुड लाइक टू कीप देयर हेयर ड्राई, प्लेन ऑयली लुक भी अच्छा लगता है एकदम, किसी की फेस में अच्छा लगता है। दस सेकेंड है आपके पास। मैंने भी नहीं लगाया हुआ। आप लोगों का समय शुरू होता है अब। दादी 36%, नानी 54%। आए देखते हैं कि दादी करेक्ट हैं या नानी करेक्ट है। टफ फाइट चल रहा है। ये अब है डिसाइडर सवाल, आपका पांचवा प्रश्न। कितने प्रतिशत भारतीय खाने की चीजें खरीदने से पहले उन्हें सूंघ कर देखती हैं? नानी थिंकिंग। आम सूंघ के? कभी कभी नॉट ऑलवेज। दादी वो दुकान वाला मारेगा ना। नहीं नहीं, ज्यादातर अब आम वगैरह है या जाते सूंघते हैं, देखते हैं। नानी दादी 10 सेकेंड हैं आपके पास और आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। नानी 45%, दादी 49%। आए बहुत क्लोज चल रहे आप। आए देखते के नानी सही है या दादी। I bought some sweets for him. From what?
I made some sweets and bought for you. Thank you so much. And there is, I know you are a health freak. There is not a bit of ghee or oil in that. Oh, thank you so Please. Much. Arey, wow. This is a very... Thank you so much. This is Kaju Katli. Please have it. I will have it. You feed me one, now. There is not a bit of oil or ghee. नानी दादी को भी खिला दो थोड़ा सा जीत गई है नानी से नानी को माने करे क्यों बच्चा का ले छोड़ ले गए तेरी मोरली को मोर ले गए बाकी क्यों बच्चा का ले छोड़ ले गए अच्छी नानी प्यारी नानी रोजा रोजी छोड़ दे जल्दी से एक पैसा दे दे तू दूंगी दादी जीत गई नानी हार गई लेकिन फिर भी मुझे एक रुपया देके गई हैं हाउ स्वीट विश ऑल द बेस्ट इन लाइफ प्रेरणा जी आप 5 सवाल दूर हैं 10 करोड़ रुपयों से हर सही जवाब के साथ आपकी रकम 10 गुना बढ़ेगी एक गलत जवाब 10 गुना घटेगी और आप आउट हो जाएंगे और फिर दादी आपकी मेरी संधन है ये बंधन तो प्यार का बंधन है जन्मों का जी हाँ तैयार है यार तो आइए खेलते हैं 10 का दम आपका पहला सवाल 10,000 रुपयों के लिए ये रहा आपके सामने कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि सलमान कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि सलमान खान बिना शर्ट के ज्यादा अच्छा लगता है तो आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं लेकिन ये सवाल का जवाब देने के लिए मुझे आपको बिना शर्ट के देखना होगा तभी तभी सही जवाब दे सकूंगा माफ किया जाए नहीं दादी अम्मा मान जाओ चलो माफ कर शुक्रिया शुक्रिया थैंक यू माफ किया दादी माँ 40% की खिड़की है आप अपना एक अनुमान लगाइए तो आप 60-90% People think he looks very nice without his shirt. लोग सोचते हैं आप बिना शर्ट के अच्छे लगते हैं तभी तो हर फिल्म में उतरवा देते हैं अरे कहाँ आजकल कहाँ उतार रहा है देखते हैं हमारी मुंबई की ऑडियंस क्या सोचती है कहाँ से कहाँ तक लगाना चाहिए आप बोल ना यार देखो किसने बिठाया है और इंक्रीज करूं गो अप ओके छापना चाहिए आप छाप दो
दादी माँ ने छाप दिया है, 39 से लेके 79% तक के छापा है। देखते हैं कि कितने भारतीयों को सलमान खान शर्ट के या बिना शर्ट के ज्यादा अच्छे लगते हैं। आप जीत गई, आप 10,000 रुपए जीती हैं और थैंक गॉड। देखो 100% लोगों को सलमान खान अच्छे लगते हैं ये बात कंफर्म हो गई है, जिसमें से 50% बिना शर्ट के और 50% विद शर्ट। ओह हम सुखी हैं। चार कदम दूर हैं आप 10 करोड़ रुपयों से। आपका अगला प्रश्न 1,00,000 रुपयों के लिए, और वो प्रश्न है कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि इस कलयुग में ईश्वर एक इंसान के अवतार में धरती पर आएंगे। ज्यादातर अगर देखा जाए तो क्रिश्चियनिटी भी मानती है कि जीसस विल कम बैक, जी राइट right? और हमारे गीता में भी लिखा है कि कृष्ण कलयुग में अवतार लेने वाले हैं, कलगी का। आपके पास एक 30% की खिड़की है। देखिए अगर अवतार को आना है तो ये राइट मोमेंट है आने की। जितना गड़बड़ हो रहा है इस दुनिया में, जितने भी नेगेटिव चीजें हैं उसको नष्ट करने के लिए ये सबसे करेक्ट टाइम है, ये मैं मानता हूँ। एक अनुमान लगा दीजिए। 50 to 80 40 to 70 42 to 72% एक जरा स्टूडियो ऑडियंस की राय लेने। वाह 40 to 50 to 60 और फिर नीचे 70-80 में ड्रॉप होता है। ठीक है ठीक है, 42 to 72 ठीक है, छाप दो छाप दो छाप दो छाप दो छाप जय माता की। छाप दिया दादी ने 42 to 72% कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि इस कलयुग में ईश्वर एक इंसान के अवतार में धरती पर आएंगे। देखते हैं। ₹10,00,000 के लिए 10 का दम। आपका अगला प्रश्न 10,00,000 रुपयों के लिए कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि वक्त के साथ साथ पति पत्नी के बीच प्यार कम होता है। अब इसमें आपके पास 20% की खिड़की, आपके मामले में मेरा तो बढ़ता गया। एक अनुमान लगाइए। 40 to 60 आपको ऐसा लगता है कि वक्त गुजरने से प्यार कम होते जाता है? नहीं, जहाँ तक मेरा तजुर्बा है प्यार बढ़ता है। जब तक मिर्च मसाला नहीं हो भेलपुरी में, तो वो जो नोक झोंक होती है वो एक चटपटापन होता है, वो भी जरूरी होती है लाइफ में। लेकिन इसका तब ये नहीं होता कि प्यार कम हो। अगर झगड़े नहीं हो तो वो प्यार कैसे है सार? एक जरा स्टूडियो ऑडियंस की।
40, 50, 60 और एक 65 तक जाता है. आपने लगाया 44 to 64%. इस हिसाब से तो ठीक है. बोलो यारो, बोलो जल्दी, बोलो, छापो नोट, छापो नोट, छापो छापो. साहब दिया दारीवान है 44% से लेके 64% तक. देखते हैं कि हमारी देश की जनता क्या सोचती है. नीचे 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 देखा, 10 का दम देखा आपने. बिंगो, आप जीती है 10 लाख रुपए. दादी माँ क्या करेंगी अब 10 लाख रुपए? मेरी बहुत इच्छा थी ओल्ड एजेड होम खोलने की, और एक कैंसर टर्मिनल स्टेज पर जो पहुंच जाते हैं कैंसर पेशेंट्स, उनको भी कई बार हॉस्पिटल के लोग भी नहीं रखते हैं, उनके खुद के रिश्तेदार भी नहीं रखते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी 32 की एज में कैंसर से उनका इंतकाल हो गया था. और जैसे आजकल देखते हैं कि भारत में स्पेशली लड़कियों को पैदा होने पे कोई कचरे के डब्बे में मिल रही है कोई हॉस्पिटल के बाहर, तो मेरा मन है कि अगर मैं जीतूंगी तो इन तीनों की सेवा करूँगी. अरे दादी, दादी दादी, आप बहुत जिएंगी और बहुत सेवा करेंगी लोगों की. बस सेवा करते करते उनकी पसलियां मत तोड़ देना. दादी, आप अब सिर्फ 2 कदम दूर हैं 10 करोड़ से. आप 10 लाख रुपए जीत चुकी हैं, क्या आप खेलना चाहेंगी 1 करोड़ रुपयों के लिए? मेरे को मेरा ख्वाब या मेरी इच्छा पूरी करनी है तो खेलना ही पड़ेगा. फैंटास्टिक. तो आइए आपका अगला प्रश्न. 1 करोड़ रुपयों के लिए कितने प्रतिशत भारतीयों ने कहा कि कुछ ना मिलने पर सबसे पहले वो अपने नौकर पर शक करते हैं? अब सिर्फ 10% की खिड़की है. 50-60. आप द पीपल थिंक लाइक कितना और 30-40. पहले तो ये सोचो नौकर कितनों के घर होते हैं. दादी, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नौकरों से बहुत बुरा बर्ताव करते हैं कि हमारा खाना अलग, उनका खाना अलग. तो जब आप उनको अच्छी तरह से नहीं रखोगे, उनकी तनख्वाह बराबर नहीं दोगे, तो चाहे तो. लेकिन अब अगर आप उनको ह्यूमन बीइंग्स की तरह घर में रखेंगे, प्यार देंगे, मोहब्बत देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई करेगा. लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस तरह से एक इंसान को ट्रीट करें. दादी माँ, एक जरा पोल का रिजल्ट देख लें. आइए देखते हैं कि हमारी मुंबई की ऑडियंस क्या वोट किया है, क्या पोल किया है. 60-70-80%. अरे बहुत सारों का यहाँ पे बैड एक्सपीरियंस हुआ है बॉस. दादी माँ, 10 लाख रुपए जीत चुकी हैं आप. हारेंगी तो 1 लाख रुपए ले जाएंगी, जीतेंगी तो 1 करोड़. प्रेरणा छोड़ दो. क्या करूं, 60-20 करो. जाने दो. 60-70. 60-70 करूं? जाने दो. मेरी पार्टनर बोलती है.
समझन बोलते कोई बहुत बड़ी रकम है आराम से, कंफ्यूज ना करें आप प्लीज। दादी माँ आप खेलना चाहती हैं कि नहीं खेलना चाहती हैं? 10 लाख बहुत बड़ी रकम है। मेरा 30 to 45 अभी भी मन 32, 35 to 45 ही मानता है। क्विट करने पे भी सही आंसर तो बताओगे ना? जी ना, मैं 10 लाख में खुश। 10 लाख छोड़ दो, लालच नहीं करो। दादी माँ प्रेरणा गांधी जी ने 10 लाख रुपयों के ऊपर क्विट किया है, तालियां। अब दादी एक अपना जो आपकी सोच है वो वहां लगा दीजिए। 35 to 45 थी। आपका दिल कहता है कि 35 से 45। अब आप 10 लाख जीत गई। देखते हैं देश की जनता क्या सोचती है। दादी आप क्यों सुन रही थी किसी और का? आप पहले राइट परसेंटेज पे थी, फिर क्यों बदला आपने? तकदीर। एनीवे कांग्रेचुलेशंस, आप अब पहली हैं जिन्होंने 1 करोड़ जीते हैं यहाँ पे, और इनकी तकदीर देखिए कि लेके नहीं जा रही। लेकिन आप जीती 10 लाख रुपए, बताइए। Fantastic, thank you, Dadi. Wish you all the best. So, यहाँ पे आए, सबकी सुने, लेकिन अपनी करें और आके खेले हमारे साथ 10 का 10 अगले एपिसोड में। शुक्रिया।